बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास देव का। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल एक फ्रॉड जो है वो बहुत वायरल हो रहा है कि कोई भी शख्स जो है किसी अननोन नंबर से किसी को कॉल करता है, ख़ुद को पुलिस वाला ज़ाहर करता है और कहता है कि जी आपका फलां बेटा या आपका फलां रिश्तेदार या आपका फलां भांजा जो है वो हमारी कस्टडी में है और इसे हमने एक डकैती करते हुए या एक लड़की को इन्होंने अगवा किया था, उस सिलसिले में हमने इनको अगवा किया, हमने इनको इसको गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको छुड़वाना चाहते हैं तो हमारे से रابطہ करें। और फिर उस शख्स की भी बात करवाते हैं जिसको उन्होंने गिरफ्तार करवाया होता है, और वो जो शख्स है वो नहायत होशियारी और चलाकी के साथ बेटा बनकर, भांजा बनकर, भतीजा बनकर, रिश्तेदार बनकर वो उसी लहजे में बात करता है कि आप मुझे छुड़वा लेंगे, मैं जा रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं फलां जगह दोस्तों के साथ था तो इन पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं इस हवाले से आपके पास हाजिरी खिदमत आया हूँ कि अगर आपको इस तरह की फेक कॉल्स के ज़रिए फ्रॉड का निशाना बनाया जाता है, इस तरह की फेक कॉल्स करके आपको परेशान किया जाता है, इस तरह की फेक कॉल से आपसे पैसे बटोरे जाते हैं, आपको किसी हवाले से धमका कर परेशान करके आपसे पैसे बटोरे जाते हैं, आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो आप उस हवाले से उन अशखास के ख़िलाफ़ या उन मुलजमान के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिस नंबर से आपको ऐसी वैसी अगर कोई कॉल आती है तो सबसे पहले जिस शख्स की गिरफ्तारी की बाबत या जिस शख्स की मामले की बाबत आपको वो कॉल कर रहे हैं, आप उस शख्स को कॉल करें कि भाई आप अगर फलां बात कर रहे हैं तो मुझे आपके हवाले से अभी कॉल आई है, आप किधर हैं, तो आप उसी वक्त आपको हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाएगी, हकीकत आश्कार हो जाएगी कि जिस शख्स की बाबत वो एक स्टोरी बना रहे यार, या वो जो शख्स जो खुद आपका भतीजा या भांजा रिश्तेदार बनकर बात कर रहा है वो दरअसल में किसी और जगह पर है और वो हकीकत नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक महज फ्रॉड की कॉल है। दूसरा एक सिस्टम है कि जियो का नाम इस्तेमाल कर, बोल का नाम इस्तेमाल करके कि जियो इनाम या बोल प्रोग्राम की तरफ से आपका इतना ये इनाम निकला है, बल्कि इस हवाले से हमें खुद कॉल आई थी और फिर हमने उसको काफ़ी इन्जॉय किया था, वो जी यही आपकी गाड़ी है यार, आप अभी हमें आईडी कार्ड के व्हाट्सएप भेजें, हम आपको आपके को डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और वो सादा लो इंसानों को तो इतना बटोरते हैं, इतना बटोरते हैं, इतना बटोरते हैं कि कई अक्सर सादा लोग इंसान होते हैं तो उनको फ़ोन करते हैं कि जी मैं फलां प्रोग्राम की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपका इतना नाम निकला और आप फौरी उसकी डिलीवरी के लिए इतने चार्जेस हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 35,000, आप फौरी इजी पैसा शॉप पर जाकर आप हमारे इस नंबर पर इजी पैसा अकाउंट में आप जमा करवा देंगे, जैस कैश में जमा करवा दें। करना आपने क्या, मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, आपने ये करना है कि आपने उस नंबर को नोट कर लेना है और अगर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। ठीक है, आपने उस नंबर की बाबत एक एप्लीकेशन लिखनी है, किस नंबर से मुझे कॉल आई है, ठीक है, और मुझे जो है वो तंग कर रहा है, हरासमेंट का शिकार कर रहा है, हरासा कर रहा है, ठीक है, और मुझे जाली कॉले कर रहा है, मुझे फ्रॉड का निशाना बना रहा है। ठीक है, वो सारी डिटेल आपने उसमें लिख ली है और आपने अपने कंसर्ट पुलिस स्टेशन में उसको दे देना है। पुलिस स्टेशन में आप उस नंबर के खिलाफ FIR करवाएंगे, जी हाँ, उस नंबर के खिलाफ आप FIR करवाएंगे, पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करेंगे, उसकी ओनरशिप चेक करेंगे और उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। कानून इस हवाले से जो आपका साथ देगा, अगर उसने उन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया तो 420 भी लग सकता है, 420 फ्रॉड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफात भी लग सकती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर बेस करता है फैंस। उसके साथ क्योंकि कॉल पर आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो साथ में 25D टेलीग्राफ एक्ट भी लग सकता है। ये वो सारे मामले आते हैं, आप बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं और इस पैगाम को या इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई जो है वो इस फ्रॉड से बच सके। अगर एक शख्स भी आपकी इस वीडियो को शेयर करने से बच गया तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो का हक अदा हो गया। तो इंशाल्लाह फिर किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।